हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। आई एम शिवानी अग्रवाल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम आपका कंटिन्यू करने वाले हैं इवोल्यूशन का पार्ट टू। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे होता है। सबसे पहली चीज, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये चैप्टर किस वे में पढ़ना है। अगर आपने पहला लेक्चर अब तक नहीं देखा है ना, तो प्लीज आप फर्स्ट वाला लेक्चर पहले देखें, उसके बाद इस वाले लेक्चर को कंटिन्यू करें। अगर आप डायरेक्टली इस वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ भी समझने नहीं आने वाला है, बिकॉज आज का लेक्चर और फर्स्ट वाला लेक्चर दोनों आपस में कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स सबसे पहले कैसे हुआ, कि एक हमारे पास बहुत ह्यूज गैसियस क्लाउड था, उसको हम कॉस्मिक डस्ट भी बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या हो रहा था, वो कॉन्टिन्यूसली आपका रोटेट किया जा रहा था। अब वो रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने में उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर हीट जनरेट होगी। तो और जिसके उसके अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स थे वो सब सेंटर में इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने लाइट पार्टिकल्स थे, लाइक आपकी लाइट गैसेज, हीलियम, हाइड्रोजन, इनर्ट गैसेज उस टाइम पे सबसे पहले प्रेजेंट होती थी, वो सब सरफेस पे आ जाएंगे। अब वो रोटेट किया जा रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अराउंड 6000 से 8000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जो पहले का आपका अर्थ थी, सबसे पहले जब तक ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इस टेम्परेचर में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं रह सकता है ना, कोई भी यानी आपका ग्रो कर सकता है वहां पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो आपका जब ह्यूज आपका गैसेस क्लाउड वो ब्रेक हो गया, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, वो छोटे छोटे गैलेक्सीज में ब्रेक हो गया। तो आपका यूनिवर्स से बनी बहुत सारी गैलेक्सीज। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे या फिर आकाश गंगा जिसको हम बोलते हैं। फिर उन गैलेक्सीज के अंदर भी सेम प्रोसेस चल रहा था, वो भी रोटेट किए जा रही थी, सेंटर में सॉलिड एंटिटीज थी और आसपास उसके लाइटर पार्टिकल्स थे, फिर वो भी आपका एक्सपेंड होकर छोटे छोटे उसने प्लैनेट्स बना लिए। अब प्लैनेट्स में क्या हुआ, आपका एक सन आ गया, आपके टोटल 9 प्लैनेट्स, जो आपने चैट सेक्शन में आंसर भी जिसका दिया है, ठीक है, 9 प्लैनेट ऐसे ही बन गए। अब उन 9 प्लैनेट में से एक प्लैनेट था जो सबसे सेंटर में था, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई था, उसको हमने बोल दिया सन बन गया हमारा। ऐसे सन बन गया जो कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर से रेडिएशन प्रोड्यूस करता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि आपका जो अर्थ है, अर्थ कैसे बना, अर्थ भी आपका रिवॉल्व करता जा रहा है, अर्थ के सेंटर में सारे सॉलिड पार्टिकल्स, आसपास उसका सरफेस बन गया, उसकी सारी लेयर्स मैंने आपको बता दिया था, बैरिस्फेयर, पायरोस्फेयर आपका ये सब। फिर अब बात आती है कि आखिरकार अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि अर्थ के ऊपर आपकी लाइफ आई तो कैसे आई। अब आप बोलोगे कि मैम उस टाइम पे तो कोई था ही नहीं हमारा देखने के लिए, क्योंकि प्रोसेस तो बहुत पहले चल रहा है। हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी थी। अब 4.5 बिलियन ईयर पहले की स्टोरी हम पढ़ चुके कि अर्थ कैसे बनी। अब हमें देखना है कि इसके 500 मिलियन साल बाद, 500 मिलियन ईयर बाद उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट हुई, वो लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज, पहले आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसको हम प्राइमरी एटमॉस्फेयर बोलते थे, उसके अंदर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, इसलिए वाटर वहां पे प्रेजेंट नहीं था, वाटर वेपर्स में फॉर्म प्रेजेंट था। अब देखो इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या वाटर रह पाएगा, लिक्विड की फॉर्म में नहीं रह पाएगा ना, गैसियस फॉर्म में होगा, तो वहां पे गैसियस फॉर्म में था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने लगा, अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने लगा तो वाटर आपका कंडेंस होने लगा, वाटर कंडेंस हो, उसकी वजह से आपके बन गई वाटर बॉडीज, बन गई सारी वाटर बॉडीज, आपके लेक्स, आपके ओशियंस, रिवर्स, ये सब बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि आप धीरे धीरे आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ में लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। लाइक क्या हुआ होगा, कुछ साल पहले एक फिलोसोफर, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में फिलोसोफर्स क्या होता है, कि फिलोसोफर इधर से उधर घूमते रहते हैं, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, उस टाइप के वो इंसान होता है। तो वो फिलोसफर्स क्या था, कोई भी एक फिलोसफर गया एंड ओशन के या फिर किसी भी वाटर बॉडी के पास जाके बैठ गया इवनिंग के टाइम पे, फिर उसने वहीं पे वो सो गया। एंड फिर जब वो सुबह सो के उठा तो उसने देखा कि उस रिवर के वहां पे, उस रिवर में जिसके पास में वो इवनिंग में सोया था, उसके पास में कुछ उसको एनिमल्स दिखने लगे, छोटे 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 फिशेस उसको दिखने लग गई है ना, छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ कुछ आपका इतना फ्रॉग्स वगैरह और आपके फिशेज और आपके और भी जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं एक्वेटिक वाले, वो सारे वहां पे उसको देखने लगे। तो उसके माइंड में एक चीज आई कि जब मैं इवनिंग में यहाँ पे सोया था तब तो कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, कैसे हुआ ये। तो इसका मतलब उसने बोला कि जो सन से रेज आ रही है ना, उन सन की रेज की हेल्प से और हमारा जो ये वाटर है, इस वाटर की हेल्प से ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है।
उसने बोल दिया। अब उसको क्या पता इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा कि वो सारे के सारे एनिमल्स किसी, क्योंकि वाटर बॉडी तो बहुत बड़ी होते, हो सकता है वो किसी दूसरे कॉर्नर पे सारे एनिमल्स उस टाइम पे, क्योंकि जब ह्यूमन आ गए तो बेटा एनिमल तो फिर भी आ ही गए होंगे उस टाइम पे। लेकिन उसके माइंड में चीज आ गई कि ये यहाँ पे कहाँ से आए, अब वो मे भी कहीं से चल के आ गए होंगे वहां पे। अब चल के वो आ गए होंगे, उसने तो ये चीज सोच लिया कि यस वाटर बॉडीज के अंदर एनिमल्स डेवलप हो जाते हैं, ये कंसेप्ट आ गया। फिर एक और फिलोसफर थे हमारे, जो पहले टाइम में होते थे ना फार्मर्स लोग होते थे, तो फार्मर्स लोग क्या करते थे, एक फार्मर था उसने क्या किया अपना, जैसे वो उसमें ग्राउंड वगैरह में फील्ड्स वगैरह में जाता है काम करने के लिए, वहां से आए तो उसके जो कपड़े थे वो बहुत ज्यादा स्वेटी हो रखे थे, बहुत ज्यादा स्वेटी थे। उसने लेके आके उसको ऐसी शर्ट को अपनी निकाला और लगा रख दिया। अब शर्ट जहाँ पे रखी थी उसके पास में वीट पड़े हुए थे, गेहूं रखे हुए थे। फिर उसने देखा कि मतलब उसको छोड़ दिया, नेक्स्ट डे उसने देखा कि वहां पे उसको माइस दिखे, चूहे आ गए वहां पे। तो उसने सोचा कि यस मेरी जो शर्ट थी उसमें क्या था, हमारे पसीने, और उसके अंदर कुछ होता होगा, कोई प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होता होगा, और वीट के अंदर भी प्रोटीन है, तो उसने मिलके नए माइस बना दिए। अब लेकिन आपको पता है ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, मे भी हो सकता है जो वहां पे वो वीट थे, वीट रखे थे उनको खाने के लिए माइस कहीं से चल के आ गए होंगे। लेकिन फिलोसफर के माइंड में तो क्वेश्चन आ गया कि यस खुद से माइस डेवलप हुए। अब आप खुद देखो एक चीज, आप ना अपने घर में कहीं पे भी थोड़ा सा शुगर या फिर कोई भी स्वीट चीज आप किचन में ऐसी ओपन छोड़ देते हो तो वहां पे चींटी आ जाती है, आती है नहीं? वो चींटी आती कहाँ से, कभी सोचा है आपने? वो ओरिजिनेट हो रही है कहीं ना कहीं से, तो ओरिजिनेट हो रही है नहीं हो रही है, या फिर आपने सोचा कि हाँ मैंने यहाँ पे शुगर डाल दिया तो खुद से चींटियां डेवलप हो गई, मे भी वो कहीं से चल के आ रही हो, कोई एग्जांपल है? आपने शुगर डाल दिया, आप उसको कंटिन्यूअसली देखते रहो, उसके वहीं पास में बैठे रहो, आपको नहीं दिखने वाली वहां पे चींटियां बिल्कुल भी, चींटियां आ गई हैं। हाँ लेकिन पहले एक चींटी आएगी, फिर एक चींटी, फिर रिप्रोडक्शन होके बहुत सारी बन जाएंगी, वो एक चींटी तो कहीं ना कहीं से आई होगी ना यहाँ पे। तो ये वाले ऐसे ऐसे आपके साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए अपने, सबने अलग अलग बातें बोल दी। कुछ लोग ऐसे होते थे जो बिल्कुल भगवान वाली बातों में बिलीव करते थे, उन्होंने बोला कि हाँ देखो उसी को हम पहली थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या बेटा, ये सिर्फ ना थ्योरीज के, देखो नाम याद रखने हैं, सिर्फ नाम याद रखो और कुछ नहीं, क्योंकि ये सब इनके कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, तो एविडेंसेस नहीं है तो आपका नीट में क्वेश्चन भी नहीं आता। लेकिन हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए इन थ्योरीज के बारे में, ये नहीं कि सिर्फ आप इनको इग्नोर कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज आराम से मजे से पढ़ेंगे। पहली थ्योरी क्या है आपकी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन मतलब बहुत स्पेशल तरीके से क्रिएट किया गया है हर एक को, ऑलमाइटी मतलब हमारे गॉड ने क्रिएट किया हर एक, जैसे कि हमारा पूरा यूनिवर्स बना, अर्थ बना, वहां पे बड़ी बड़ी रॉक्स बनी, रिवर, ओशियन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सब बने। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल के हिसाब से अर्थ को बनाने में, मतलब पूरे यूनिवर्स को बनाने में, पूरे वर्ल्ड को बनाने में भगवान जी ने सिर्फ 6 दिन लिए, 6 डेज में उनकी पूरी सुपर पावर्स उन्होंने लगा दी और 6 डेज में पूरा अर्थ क्रिएट कर दिया। और जो पहला ह्यूमन आया था अर्थ पे उसको उन्होंने बोल दिया एडम, और फर्स्ट ह्यूमन आई थी एवी, एडम एंड एवी ने ही पूरा वर्ल्ड के जितने भी, और फिर वही रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहा एंड इतनी सारी पॉपुलेशन आज के टाइम में हमारी हो गई है। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे गॉड ब्रह्मा जी ने वर्ल्ड को क्रिएट किया है, ये चीज। और पहला मैन कौन था, मनु पहला मैन था अर्थ पे अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या है कि पहला मैन कौन है, एडम, एंड फर्स्ट वुमन है एवी। ये आपको नाम याद रखने है, याद रखोगे यहाँ पे ये चीज। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सिख के अकॉर्डिंग क्या, सिख बोलते हैं कि उनके गुरु नानक देव है, उन्होंने पूरे अर्थ को क्रिएट किया, टोटल 6 दिन में सुपर नेचुरल पावर्स आए, उन्होंने पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। क्लियर है ये चीज, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। हाँ ये पूरी की पूरी माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है, आप इसको लिख भी लो यहाँ पे, माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी। अगर आपको इसकी डेफिनेशंस लिखनी है इसलिए मैंने आप लोगों के यहाँ पे डेफिनेशंस ही लगा दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, या फिर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी हम इस थ्योरी को बोलते हैं। अब ये ना आपके ग्रीक फिलोसफर थे, ये आपकी दी गई थी ग्रीक फिलोसफर के थ्रू। जितनी भी थ्योरीज होंगी ना, मतलब जिनका कोई भी प्रूफ नहीं है, सब फिलोसफर की दी हुई थ्योरीज है, सब इधर उधर घूमते थे, नई नई कहानियां लेके आते थे, लोगों को सुनाते थे। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, दिस थ्योरी स्टेट दैट लिविंग बींग्स वर फॉर्म स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम
नो देखो, ए बायोजेनेसिस मतलब जितने भी आज के टाइम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब नॉन लिविंग से डेवलप हुए हैं, लाइक रेन, आपका कीचड़, एयर, आपका डंग, एक्सेट्रा, इन सब चीजों से हर एक नॉन लिविंग से लिविंग बना है। इन्होंने ये बोला, इस थ्योरी का कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था। एंड ये थ्योरी किसके थ्रू दी गई थी? एनेक्सिमेंडर के थ्रू, और सपोर्टेड की गई थी एरिस्टोटले एंड हेल्मोल्ट साइंटिस्ट के थ्रू। हेल्मोल्ट ने प्रोपोन किया ऑरिजिन ऑफ माइस फ्रॉम ह्यूमन स्वेट एंड वीट ग्रेन, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया आपको कि आपका एक क्या है, ह्यूमन का स्वेट और वीट ग्रेन जो पड़े हुए रखे हुए थे उनकी वजह से चूहे आ गए थे। लेकिन मैंने बताया ना आपको, हो सकता है वो कहीं से चल के आए हो, लेकिन उन्होंने तो मान लिया इस चीज को। और कितने दिन तक उन्होंने इसको रखा था? 21 डेज तक, कि 21 डेज में माइस डेवलप हो गए। ये आपकी फिलोसफर की थ्योरी दी गई, क्लियर है। अब ए बायोजेनेसिस थ्योरी के बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आता है। अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये थ्योरी आपकी क्या कहती है? दिस थ्योरी स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ना उसी से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। अब आगे जाके आप देखोगे कि हम ये बोलेंगे थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेनेसिस, मतलब जो अभी लास्ट वाली थ्योरी हमको हमने डिस्कार्ड किया ना ए बायोजेनेसिस वाली, उसी थ्योरी के अंदर चेंजेस करके एक नई थ्योरी दे देंगे कि यस हम सब जो डेवलप हुए ना नॉन लिविंग से डेवलप हुए हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग के अंदर चेंजेस हुए, चेंजेस हुए फिर हम लिविंग में डेवलप हुए। पूरे चेंजेस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि आखिरकार कैसे ह्यूमन डेवलप हुए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइफ ओरिजिनेट हुई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, जो पहले से लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से लाइफ ओरिजिनेट हुई। ये थ्योरी किसने थ्रू डेवलप की गई थी? फ्रांसिस्को रेडी, एंड इसको फिर सपोर्ट किया था स्पेरेंजेनी ने एंड लुईस पाश्चर ने। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन तीनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था, बट इस थ्योरी को भी बाद में एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। अब फ्रांसिस्को रेडी ने क्या बोल दिया था, इन्होंने पुट क्या किया, एक डेड स्नेक ले लिया, फिश मीट लिया और एक ई ले लिया, उनको सेपरेट वाइड माउथ फ्लास्क में रखा, सम विदाउट कवर एंड अदर कवर्ड विद फाइन म्यूसलिन एंड पार्चमेंट पेपर। आफ्टर ए फ्यू डेज ही ऑब्जर्व दैट मैग्यूट्स लार्वा डिड नॉट अपीयर इन कवर्ड फ्लास्क बट वर प्रेजेंट। ये सब छोड़ो, ये आपको बोर करेगा, सिर्फ एक आपको याद रखना है, लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ नाम याद रखो, इसका भी सिर्फ नाम याद रखो कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में तीन साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेडी, आपका लेजारो स्पेलेंजानी एंड द थर्ड वन इज लुईस पाश्चर। तीनों ने अपना अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नई लाइफ बनती है। अब एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ हमें लुईस पाश्चर का पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताते देखो। लुईस पाश्चर साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक फ्लास्क ले लिया, ऐसे लीले फ्लास्क, इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने डाला क्या, ईस्ट प्लस शुगर प्लस वाटर। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लोगों ने किए हैं किस चीज को, जो पहले 500 मतलब 4 बिलियन ईयर पहले लाइफ ओरिजिनेट हो कैसे हो रही, क्योंकि 4 बिलियन पहले कोई नहीं था, ये ध्यान रखना है चीज को। तो ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानी होती है ना टाइप से, वो है वो आप समझो कि कैसे कैसे लोगों ने पता लगाया कि आखिरकार कैसे लाए। प्रूफ नहीं है किसी भी चीज का, प्रूफ सिर्फ ये है कि पहले टाइम में कुछ लोग होते थे जो हमसे बिल्कुल अलग थे, हमारे एंसेस्टर्स कैसे दिखते थे उसका प्रूफ है, कैसे वो अर्थ पे आए उसका एग्जैक्ट कोई एविडेंस नहीं है अभी तक हमारे पास। तो हमारे साइंटिस्ट है लुईस पाश्चर, जिसका आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, इनके एक्सपेरिमेंट को हम स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। तो इन्होंने एक फ्लास्क ले लिया, इस फ्लास्क के अंदर ईस्ट डाला, शुगर डाला और वाटर डाल दिया ऐसे, फिर इन्होंने इसको नीचे से ऐसे हीट करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही नीचे से हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, आपके जो ये ईस्ट है ईस्ट की डेथ हो जाएगी, ईस्ट किल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इन्होंने इसको ऐसे छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या किया, इन्होंने इसको अराउंड, इन्होंने आप बोल सकते हो कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक ऐसे स्वान नेक फ्लास्क ऐड कर दिया, एक कवरिंग लगा दी जिसके ना बिल्कुल स्वान की जैसे नेक होती है ना ऐसे, तो ये ले लिया। और फिर इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम बाद इसका ऊपर से ब्रेक करके ऐसे इन दो के अंदर, ये वाला जो मटेरियल था ना इस मटेरियल को हाफ इसमें ट्रांसफर कर दिया
और हाफ मटेरियल को इसमें ट्रांसफर कर दिया इक्वली, ठीक है। ऐसे आप इसको समझो, हाफ आप इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमारा एक स्वान नेस्ट है और ये नीचे से इन्होंने हीट किया। अब आपको पता है हीट कर रहे हैं जब नीचे से, तो हीट करने के बाद वाटर वेपर्स बनेगी और वो वाटर वेपर्स इकट्ठा होकर यहाँ पे आ जाएंगे नहीं। अब इसके अंदर जो हीट करेंगे इसके वाटर वेपर्स बाहर निकल जाएंगी और इसकी वाटर वेपर्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सपोज करो 1 वीक तक ऐसे छोड़ दिया, फिर इन्होंने देखा 1 वीक के बाद कि जो आपका ये वाला है, ए वाला है फ्लास्क है और बी वाला फ्लास्क है, ए वाले फ्लास्क के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, कोई नया ऑर्गेनिज्म या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं दिखे, लेकिन बी वाले के अंदर इनको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखने लगे। यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यहाँ पे नजर आए। अब वो क्यों नजर आए? वो इस वजह से नजर आए क्योंकि यहाँ पे ना आपका वाटर इकट्ठा हो गया था और इसलिए कोई भी एयर आपकी यहाँ पे एंटर नहीं हो रही थी। और एयर के अंदर ही क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें पता है हमारे आसपास जो एयर है किंतु बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पे वो एयर एंटर नहीं हुई और एयर एंटर नहीं, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपका ईस्ट किल्ड थे, शुगर था, वाटर था, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए प्रॉपर मिला। अब प्रॉपरली मिला, अब जो ये आपका बनता है ना ईस्ट किल्ड करने के बाद शुगर वाटर, इसको हम बोलते हैं ब्रोथ। इस ब्रोथ के अंदर हमें लाइफ देखने को मिली। तो इससे ये पता चलता है कि प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्टिंग क्या था, ईस्ट, जिसको हमने किल कर दिया, उसके ऊपर ही और ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। ये आपको सिर्फ याद रखना है, क्लियर? देन यहां तक सारी चीजें, चलो। तो अब ये वाला, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयर होता है अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या आएगा आपका। यहां तक आई थिंक देखो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमने पढ़ लिया एंड नेक्स्ट वन हमने पढ़ा है कौन सा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को ना एक और वर्ड हम बोल देते हैं, कि हमने बोला कि क्या होता है थ्योरी ऑफ जेनेसिस, स्टेट दैट न्यू ऑर्गेनिजम्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसको एक टर्म ये दे देते हैं, क्या टर्म दे देते हैं, ओमनी स्वाइवम एक्स वाइवम। ये टर्म आपको याद रखना है, ये कभी कभी ना नीट में पूछ लेते हैं बस, न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इनका मतलब इन्होंने बोला कि नई लाइफ आपकी ओरिजिनेटेड हुई है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने ही ए बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड किया था, लेकिन दे ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, दे फेल्ड टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये भी आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ पे थे, साइंटिस्ट के नाम आप याद रखेंगे, फ्रांसिस्को रेडी, लेजारो स्प्लेंजेनी एंड लुईस पाश्चर। क्लियर? लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट उसको हम बोलते हैं। बताओ यहाँ तक डन? अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट थ्योरी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपेरिन एल्डेन थ्योरी। अब ये थ्योरी हम पढ़ेंगे, इस थ्योरी के अंदर बहुत सारी चीजें देखो हम लोगों को सीखने को भी मिलने वाली है। सबसे देखो, सबसे पहले ऑपेरिन हैंडल थ्योरी को ही हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। क्लियर है? अब ये आपका जो थ्योरी दी गई थी दो साइंटिस्ट के थ्रू दी गई थी, ओपेरिन एंड हेल्डन, ये दो साइंटिस्ट थे। अब इन साइंटिस्ट के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि जो आपके ओपेरिन साइंटिस्ट हैं, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, ही वाज एन रशियन साइंटिस्ट, और रशियन साइंटिस्ट थे, अपनी स्टडी किसके ऊपर करते, बायोकेमिस्ट थे ये आपके, ही वाज बायोकेमिस्ट। और हेल्डन क्या थे आपके, हेल्डन आपके इंग्लैंड से थे, लेकिन फाइनली फिर उसके बाद इंग्लैंड के बाद ही फाइनल हमारा इंडिया में ही शिफ्ट हो गए थे। इंडिया में कहाँ पे शिफ्ट हुए थे वो भी आपका पूछा जाता है, भुवनेश्वर में ये माइग्रेट कर गए थे इंग्लैंड से इंडिया में। और ये स्टडी किसके ऊपर करते थे, जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी करते थे, जेनेटिक्स के ऊपर ये स्टडी करते हैं। यही हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारा पूरा केमिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ये बायोकेमिस्ट थे, जेनेटिक्स के ऊपर वर्क करते थे,
तो इन दोनों ने मिलके पूरा केमिकल इवोल्यूशन बताया हमारा कि आखिरकार कैसे हमारी अर्थ के ऊपर केमिकल्स आए, कैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैसे हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड्स, ये सब हमारे जनरेट हुए। बताओ यहां तक मुझे बताओ समझ में आया है नहीं ओपेनहाइम हेडन के बारे में। अब लिखते हैं इन थ्योरी ने इन्होंने क्या बोला, प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाएंगे तो लिखो इस थ्योरी प्रपोज्ड दैट, इट प्रपोज्ड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव कम फ्रॉम, कहां से आई होगी, प्राइमरी ए बायो, मतलब जो पहले टाइम के नॉन लिविंग थे, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या कौन से हो सकते हैं, लाइक आरएनए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। मींस इन्होंने ही आरएनए ने, प्रोटीन ने, इन सब ने मिला के हमारा एक नए ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट किया, इसी को हम बोलते हैं आपका केमिकल इवोल्यूशन। ओपेनहाइम हॉल्डन ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के नाम से, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये भी क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक किसने लिखी है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक आपकी ओपेनहाइम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। एक और है आपकी बुक जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो बुक किसने लिखी थी, इसका आंसर आप ना मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसके थ्रू दी गई थी, राइट इन द चैट सेक्शन, सब बच्चे चैट सेक्शन में बताओ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसके थ्रू दी गई थी, क्लियर यहां तक सारी चीज। ओपेनहाइम थ्योरी प्राइमरी एबायोजेनेसिस थ्योरी बोलते हैं, इन्होंने पूरा केमिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन किया। ओपेनहाइम एक रशियन साइंटिस्ट थे जो बायोकेमिस्ट थे, हेल्डन एक हमारे इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जो जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी करते थे, देन ही शिफ्टेड टू इंडिया में भुवनेश्वर में। ये थ्योरी आपकी बताती है कि जो आपकी जितनी भी लाइफ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही डेवलप हुई है। और इन्होंने जो आपको एक फिलोसफर वाली कहानी सुनाई थी ना, वो वाटर बॉडीज के पास जाके बैठ गए, फिर वहां वाटर बॉडीज के पास एनिमल्स के, उसके ऊपर थोड़ी सी बेस थी कि पहली लाइफ, जो सबसे पहली लाइफ है, वो ओरिजिनेट हुई है सी वाटर के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से आता है, फर्स्ट लाइफ कहां पे ओरिजिनेट हुई है, देखो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर, सी वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई है। इसी से हमें पता चलता है वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैट सेक्शन में बताने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन आर बॉडी, जल्दी से चैट सेक्शन में सब बच्चे बताओ अमाउंट ऑफ वाटर इन आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर या फिर कितना परसेंटेज ऑफ वाटर, एग्जैक्ट आप परसेंटेज बताओगे वो भी चलेगा। अब पढ़े हम अपना पूरा का पूरा केमिकल इवोल्यूशन, बताओ स्टार्ट करें, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका केमिकल इवोल्यूशन। अच्छा देखो केमिकल इवोल्यूशन को ही हम बोलते हैं कीमोजेनी, ध्यान से सुनना है सब बच्चों को यहाँ पे, अभी कोई चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे एंड अपने नोट्स में लिखते रहेंगे, जो जो मैं बता रही हूँ सब ध्यान सुनना। लास्ट लेक्चर को कोरिलेट हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हमारी अर्थ पे क्या था, प्राइमरी एटमोसफेयर था, प्राइमरी एटमोसफेयर, प्राइमरी एटमोसफेयर का नेचर बताओ कैसा था, ये वाले क्वेश्चन आपको मैं पहले पढ़ा चुकी, तो इसका आंसर आप सब करोगे। प्राइमरी एटमोसफेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था या नहीं था, रिड्यूसिंग था, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, राइट इन द चैट सेक्शन बताओ, रिड्यूसिंग नेचर था तो कौन कौन सी थी, वहां पे हाइड्रोजन की अमाउंट सबसे ज्यादा थी, और टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर भी मैंने अभी आपको बताया, टेम्परेचर बताओ कितना था जल्दी से चैट सेक्शन में। फिर इसके साथ क्या हुआ, H2 प्लस O2 ने मिलके आपका क्या बनाने लग गए, वाटर बनाने लग गए, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं है, वाटर की मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है।
यही हाइड्रोजन आपका मिलके किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रही है, NH3 बना रही है, जो कि NH3 क्या है हमारा, एक अमोनिया है। फिर इसके बाद इसी से हमारा H2+ आपका CO2, आप समझ लो इससे बनेगा आपका CH4। ये हमारा CH4 इज योर मिथेन। मिथेन क्या है, मिथेन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर इसके बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगा, टेम्परेचर डाउन होने लगा, जो हमारा वाटर वेपर है वो वाटर वेपर क्या होने लगी, कंडेंस होने लग गए, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, वाटर कंडेंस हुए तो उसकी वजह से हमारी रेन्स हुई, और रेन होने की वजह से हमारे क्या बन गए, वाटर बॉडीज। अब आप खुद बताओ, वाटर बॉडीज हमारे बन गए, और हमारे अर्थ के सरफेस पे NH3 भी है, CH4 भी है, ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल वाटर के साथ हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, इन वाटर बॉडीज के अंदर होंगे या नहीं, तो इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि वाटर बॉडीज आर, दीज वाटर बॉडीज आर द फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हीं वाटर बॉडीज के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन्स वगैरह सब प्रेजेंट है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने आपको इनको बोल दिया क्या, हॉट डाइल्यूट सूप। कुछ उनके माइंड में आया होगा, मे बी हो सकता है उस टाइम पे बैठे वो सूप पी रहे हो, होता है ना सूप के अंदर बहुत सारी, सूप के अंदर वाटर भी होता है आपका, टोमेटो, अगर आप टोमेटो सूप पी रहे हैं तो टोमेटो का भी आपका होगा वहां पे, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी होते हैं, मतलब एक बोल सकते हैं कि हर एक टाइप के उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, हर एक टाइप के आपका न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेम हमारी वाटर बॉडीज थी उस टाइम पे, सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट थे जो आपकी बॉडी को डेवलप करा सकते हैं। अब सूप क्यों भी होता है, सूप बोलते हैं ना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, क्यों हेल्दी होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे उस टाइम पे हमारा वाटर बॉडीज भी हॉट डाइल्यूट सूप के जैसे थे, जो हम इस टाइप पे सूप पीते हैं। फिर इसी के अंदर क्या हुआ, इन्हीं हॉट डाइल्यूट सूप्स के अंदर, हाँ जी, तो इन्हीं डाइल्यूट सूप ने आपके मिलके बना लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले जो आपके मॉलिक्यूल्स बने थे, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं क्या, प्रोटोबायोंट्स। एंड बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रोटोबायोंट्स से, प्रोटोबायोंट्स क्या, कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आपकी, दीज आर द कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स, कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारा सराउंडिंग के गैसेस वगैरह इन सब से मिलके बना है, ये एक इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने का काम कर रहा है। लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट अपना मेंटेन रखेगा, मतलब प्रोटोबायन जो मॉलिक्यूल है अपने अंदर छोटे छोटे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर सकता है ये, क्योंकि बहुत सारे केमिकल से मिल गया, वो केमिकल्स आपस में रिएक्शन भी करेंगे, कैटाबॉलिज्म दिखाएंगे, एनाबॉलिज्म दिखाएंगे, वो प्रोसेस दिखाएंगे, बट प्रोटोबायोन्स आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ये अपने आप को रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट इनके अंदर ये प्रेजेंट है, प्रॉपर इनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा थोड़ा देखा जा रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। फिर प्रोटोबायोन्ट्स ने ही क्लस्टर होके क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड आपका लिपिड्स, ये हुआ। अब प्रोटोबायोन्ट पे आके कहानी थोड़ी सी रुक गई हमारी, क्या कुछ साइंटिस्ट ने इस प्रोटोबायोन्ट पे स्टडी की, तो इन्होंने क्या किया, प्रोटोबायोन्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोटोबायोन्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को नाम दिया आपका कोएसर्वेट्स। यहां से क्वेश्चन आता है, प्रोटोबायोन्ट्स की दोनों टाइप्स है, कोएसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फेयर। अब कोएसर्वेट और माइक्रोस्फेयर क्या है, कोएसर्वेट आपका दिया गया था ओपेरिन साइंटिस्ट के थ्रू, और माइक्रोस्फेयर आपका एक सिडनी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडनी फॉक्स। इन सिडनी फॉक्स साइंटिस्ट ने आपको माइक्रोस्फेयर के बारे में बताया। अब कोएसर्वेट मॉलिक्यूल क्या था, इस मॉलिक्यूल के बाहर कोई भी लिपिड लेयर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट थी, विदाउट लिपिड लेयर ये आपका प्रेजेंट था। लेकिन माइक्रोस्फेयर आपका कैसा था, माइक्रोस्फेयर के चारों तरफ एक लिपिड की बायलेयर प्रेजेंट थी, कवर्ड विद लिपिड बायलेयर। ये हमने इनको दो पार्ट, मतलब ऐसे बोल सकते कि प्रोटोबायंट दो टाइप के दिखाई दिए गए,
एक तो ओपरिन ने देखा कि हमारे एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर लिपिड की बायलेयर प्रेजेंट नहीं है, एक हमारे देखे गए एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर लिपिड की बायलेयर है, जो हमारे सिडनी फॉक्स साइंटिस्ट थे, सिडनी के रहने वाले साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनका नाम दे दिया माइक्रोस्फेयर। बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर है या नहीं? राइट इन द चैट सेक्शन यस और नो। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। क्लियर है ना सब बच्चों को? फिर इसके बाद ये देखा गया कि जो हमारे कोएसर्वेट मॉलिक्यूल है, ये भी अपने अंदर एक सिंपल मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं, सिंपल मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या किया गया? अब इसके बाद ये जो हमारे प्रोटोबायोन्ट्स हैं कोएसर्वेट टाइप के, इन्होंने आगे जाके फॉर्मेशन किया न्यूक्लियो प्रोटीन्स का। इनको आगे जाके हम बोने लगे न्यूक्लियो प्रोटीन, बिकॉज इनके अंदर क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लिक एसिड भी देखा गया, प्रोटीन भी देखा गया, तो हम इनको बोल देते हैं दीज आर द न्यूक्लियो प्रोटीन। एंड न्यूक्लियो प्रोटीन जैसे ही मिले तो वहां से हमें पता चल गया दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन का पहला सिंबल क्या मिला हमें? न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ जैसे ही। अब जैसे ही आपका न्यूक्लियो प्रोटीन बने, इन्होंने अपने अंदर थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन किया, दे डेवलप एबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। एबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। अब जैसे ही इनके अंदर म्यूटेशन हुआ न्यूक्लियो प्रोटीन, इनको हम प्रोटो सेल्स भी बोल सकते हैं, पहले टाइप वाली जो प्रिमिटिव सेल्स थी इसलिए हम इनको प्रोटो सेल्स भी। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट किया। अब कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट किया तो इसका मतलब क्या होता है, अब ये और ज्यादा डेवलप होने लगे। अब धीरे धीरे डेवलप होके बन गए आपके प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गए। प्रोकैरियोट्स क्या होता है? जिसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनलीज नहीं है, अभी नो सेल ऑर्गेनलीज, नो न्यूक्लियर एनवलप। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम सभी भी प्रोकैरियोट से डेवलप हुए हैं, हुए नहीं हुए, हम सभी भी प्रोकैरियोट से डेवलप। सबसे पहले बनने वाले जो सेल थे वो थी आपकी प्रोकैरियोट्स। फिर प्रोकैरियोट्स धीरे धीरे कन्वर्ट हुई किसमें? कीमोटोट्रॉप्स में, कीमोहेटरोट्रॉप्स में, बिकॉज अब इनको अपने आप को ग्रो कराने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिएगी, तो इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया कीमोहेटरोट्रॉप्स के अंदर। अब आप मुझे बताओ कीमो हेटरोट्रॉप मींस अपने फूड के लिए किसी और चीज के ऊपर डिपेंड है, अभी किसके अंदर है? वाटर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है, तो वाटर बॉडीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन करके ये अपनी एनर्जी बनाएंगे, बिकॉज दीज आर द नेचर ऑफ एनएरोबिक नेचर। ये सब आपके एनएरोबिक नेचर के हैं अभी भी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है अर्थ पे। अब ऑक्सीजन कैसे आएगी वो वाला पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। अब तक हमारे एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं आई, सब अब तक एनारोबिक टाइप के मॉलिक्यूल्स चले जा रहे हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन बने, फिर न्यूक्लियो प्रोटीन ने थोड़ा सा अपने अंदर म्यूटेशन किया, जिसकी वजह से प्रोकैरियोट्स बन गए, फिर प्रोकैरियोट्स से कीमो हेटरोट्रॉप बन गए, फिर कीमो हेटरोट्रॉप के बाद हमारे बने कीमो ऑटोट्रॉप, बिकॉज कब तक ये फूड के ऊपर डिपेंडेंट रहते, इन्होंने फिर अपने अंदर चेंजेस किया। तो ये देखो ये इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि फूड एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता था तब। अब जो फूड खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया जिसने, तो वो तो आपका सर्वाइव कर गया। अब जो फूड जो कीमो हेट्रो ही रहा वो उसकी डेथ हो गई। इवोल्यूशन चल रहा है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेगा वो रहेगा जिंदा, नहीं तो सबकी डेथ हो जाएगी। पूरा प्रोसेस ये इवोल्यूशन है, तो ध्यान से समझना है। कीमो हेट्रोट्रॉप्स हमारे बने। अब कीमो हेट्रोट्रॉप क्या करते थे? अपने फूड को सिंथेसाइज कराते थे इनऑर्गेनिक मटेरियल से, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल से, एंड इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। पहले कीमोटोट्रॉप्स कौन थे आपके? आयरन बैक्टीरिया, ये थे आपके आयरन बैक्टीरिया, जिनको हम कीमोटोट्रॉप्स हैं आयरन बैक्टीरिया, या फिर आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बताओ यहां तक समझ में आया? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स बने, फिर कीमो हेटरोट्रॉफ, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स हमारे डेवलप हुए, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ के बाद हमारे सिंपल
फोर टॉपिक, उस कब तक केमिकल सब्सटेंस उनको मिलता, वो भी लिमिटेड अमाउंट में था। फिर इवोल्यूशन उन्होंने अपने अंदर किया, अब इवोल्यूशन करके उन्होंने कीमो ऑटोट्रॉप से बना लिया फोटो ऑटोट्रॉप। इसका मतलब अब ये करने लग गए क्या, फोटोसिंथेसिस, अपना फूड बनाने लग गए किससे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इसलिए हम इनको सिंपल ऑटोट्रॉप्स भी बोल देते हैं, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है नहीं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में एक चैप्टर आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वहां पे आपका नॉन आपका साइक्लिक फोटो कार्बोक्सिलेशन और या फिर आपका फोस्फोराइलेशन, और एक प्रोसेस है साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। तो वहां पे वाटर स्प्लिट होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है, तभी तो आपके इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर होते थे। तो वाटर स्प्लिट होगा, अब जैसे ही वाटर स्प्लिट होगा आपका वो ब्रेक हो जाएगा H2+O2 में, इस वाले प्रोसेस के थ्रू अपना बना रहे थे। लेकिन फोटो ऑटोट्रॉप आपके वाटर को यूज नहीं कर रहे थे, फोटो ऑटोट्रॉप किसको यूज कर रहे थे, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे थे, क्योंकि अगर ये वाटर को यूज करते तो इसी टाइम पे हमारी ऑक्सीजन आने लग जाती अर्थ पे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आई। जब सिंपल ऑटोट्रॉप थे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, बिकॉज दे आर यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड और दे आर फोटोसिंथेसिस, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं, इनका एग्जाम्पल है आपके सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया फिर आप लोगों के डेवलप हुए। फिर धीरे धीरे आपका देखो क्या हुआ, सल्फर बैक्टीरिया आपके कन्वर्ट होने लगे फोटो ऑटोट्रॉप्स में। मीन्स ये तो सिंपल वाले, सिंपल वाले के बाद आप बोल सकते हो एडवांस ऑटोट्रॉप। अब ये वो फोटो ऑटोट्रॉप्स है जो वाटर को यूज करेंगे वाटर को। अब वाटर यूज करेंगे आप ऑक्सीजन को स्प्लिट करेंगे, वाटर को स्प्लिट करेंगे तो हमारी अब क्या आ जाएगी, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। मीन्स ये वो बैक्टीरियाज है जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे अपने अंदर से। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन ही तो रिलीज करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, वाटर को यूज करेंगे, एनर्जी बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो अब हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन आने लग गई, और कौन ऑक्सीजन को लेके आए थे सबसे पहले, हमारे साइनोबैक्टीरिया, हमारे साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले अर्थ पे ऑक्सीजन को लेके आए थे। इसके पीछे ना एक और लॉजिक है। आप बोलोगे मैम फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, एनी आइडिया क्लोरोप्लास्ट कैसे आया होगा? तो बेटा यहाँ पे ना साइंटिस्टों ने बहुत माइंड यूज किया अपना। कैसे माइंड यूज किया, उन्होंने ये बोला कि ये जो मेरे यहाँ तक कीमोटोट्रॉफ में ये आपके आयरन बैक्टीरिया थे ना, इन आयरन बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, फेगोसाइटोसिस कर लिया। फेगोसाइटोसिस किसका कर लिया, किसी बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस कर लिया, बैक्टीरियो को एंगल्फ कर लिया जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, उसको एंगल्फ कर लिया, तो इसका मतलब उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ गया और फिर उन्होंने इवोल्व किया, धीरे धीरे आपका ये बन गया। ऐसे ही कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगी यूकैरियोटिक के अंदर कि यूकैरियोट कैसे बने, यूकैरियोट भी ऐसे बने क्योंकि ये आपके सारे एनारोबिक है अभी तक। एनारोबिक के अंदर हमें क्या चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो उन्होंने एंगल्फ किया किसी ऐसे बैक्टीरिया को जिसके अंदर किसी नॉर्मल बैक्टीरिया को उन्होंने एंगल्फ कर लिया। क्लोरोप्लास्ट भी किसका एग्जाम्पल है, क्लोरोप्लास्ट भी एक एग्जाम्पल है कि किसी बैक्टीरिया को एंगल्फ किया फिर उस बैक्टीरिया ने अपने आप को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर लिया। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जिनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। तो खुद का डीएनए क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बैक्टीरिया को एनगल्फ किया है, बेटे बैक्टीरिया के पास तो प्लाज्मिड होता है, खुद का अपना डीएनए होता है नहीं होता है। तो ये इससे ना लोगों ने, क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट यही तो ऑर्गेनेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके पास खुद का डीएनए। क्यों खुद का डीएनए, क्योंकि सेल विद इन सेल का एग्जाम्पल है, एक सेल के अंदर एक और सेल, कैसे सेल आई कि एक हमारी कीमो वाली सेल थी, उस कीमो वाली सेल ने किसी दूसरी सेल को एनगल्फ कर लिया जिसके पास खुद का डीएनए था, उस सेल ने फिर अपने अंदर चेंजेस कर करके इवोल्यूशन कर करके वो माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गई और एक क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो गई, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट वाली सेल को एनर्जी देती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल वालों को एनर्जी देती है। ये सारे के सारे लॉजिक्स हैं। अब देखो ना लॉजिक बिल्कुल फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए है, कहाँ से आया होगा डीएनए, किसी दूसरी सेल को एनगल्फ किया होगा, सारी सेल के पास डीएनए होता है। ऐसे हमें पता लगा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एंगल्फिंग फेगोसाइटोसिस के बाद डेवलप हुए किसी भी सेल के अंदर। ये प्रोसेस क्लियर? तो साइनोबैक्टीरिया क्या करते थे, लिबरेट करते थे अपने अंदर से ऑक्सीजन।
अभी बच्चों ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, तो इसका मतलब अब हमारे अर्थ पे क्या आने लग गई, ऑक्सीजन आने लग गई। तो अब अर्थ का टेम्परेचर, सॉरी अर्थ का नेचर कैसा हो जाएगा, एटमोस्फेयर बिकम ऑक्सीडाइजिंग। अब हमारा एटमोस्फेयर हो गया ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। अब हमारा एटमोस्फेयर बेटा रिड्यूसिंग नहीं रहा, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ही केमिकल इवोल्यूशन करा सकता है, केमिकल इवोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिकल इवोल्यूशन स्टॉप। केमिकल इवोल्यूशन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ पे स्टॉप होगा, व्हेन नेचर व्हेन एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीडाइजिंग, जब आपका एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग बन जाएगा आपका इवोल्यूशन केमिकल इवोल्यूशन रुक जाएगा। अब केमिकल इवोल्यूशन के बाद क्या आएगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आएगा। अब स्टार्ट करें हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ना, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे। बच्चों देखो अब हमारा क्या आएगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हमें इतना तो पता चल गया हमारा प्रोकैरियोट से हुआ है। प्रोकैरियोट्स में हमारे क्या बन चुके हैं अभी, जैसे कि ये मेरा प्रोकैरियोट, अब मेरा प्रोकैरियोट डेवलप होके एक फोटो ऑटोट्रॉफ बन चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा, कुछ सेल्स के अंदर एक जो उनका जेनेटिक मटेरियल उसके आसपास न्यूक्लियर एनवेलप आने लग जाएगा, इवोल्यूशन होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होगा। अब जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होगा, अब उस प्रोकैरियोटिक सेल को हम चेंज करके बोल देंगे क्या, कि वो अब हमारा यूकैरियोटिक बन चुका है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप, नाउ इट विल बी योर यू कैरियोटिक सेल। ऐसे ही आपकी यू कैरियोटिक सेल बनी। फिर यू कैरियोटिक सेल के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, सारी ही सेल ऑर्गेनेल्स आने लग जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आएगा, जब भी कोई एक बैक्टीरिया कोई भी एक सेल एंगल्फ करेगा किसी दूसरे बैक्टीरिया को, एंगल्फ बैक्टीरिया, इट शोज कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होके गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, ये सारे के सारे प्रोसेस आपके डेवलप होने लग जाएंगे। तो ऐसे हमारा यूकैरियोटिक सेल आई एग्जिस्टेंस में। फिर इन्हीं यूकैरियोटिक सेल से आप जब पूरा एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपने देखा एनिमल किंगडम चैप्टर सबसे पहला फाइलम कौन सा होता है बच्चों, कैसे कौन सा फाइलम होता है, स्पंजीज होते हैं। स्पंजीज की बॉडी के अंदर आपने देखा होगा सिंपल सेलुलर होता है, सेलुलर बॉडी होती है, नहीं होती है उसकी सेलुलर बॉडी, तो सबसे पहले आपके स्पंजीज आए होंगे। फिर धीरे धीरे स्पंजीज से आपके सिलेंट्रेट आने लगे, फिर प्लेटी हेलमिंथीज आने लगे। तो ऐसे ऐसे आपके डेवलपमेंट करके कहाँ तक पहुंचे, हमारे सपोज एम्फीबिया तक पहुंच गए। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, हमारे एम्फीबियाज तक आ गए। अब एम्फीबिया आपके क्या हुआ, एम्फीबिया आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते थे, लेकिन उन्होंने ट्राई किया कि हम वाटर में क्या होता है, वाटर में उनको प्रॉपर अमाउंट में अगर वाटर नहीं मिल रहा है तो उनकी डेथ हो जा रही है। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, टेरेस्ट्रियल होना मतलब लैंड की साइड शिफ्ट होना स्टार्ट किया। अब वो वाटर के अंदर क्यों रहते थे, क्योंकि जो एग ले करते थे ना वो जेली जिलेटिनस नेचर का होता था, जेली नेचर का होता था, तो इसलिए इनको अपने एग लेइंग प्रोसेस के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होना चाहते थे ये। लेकिन अब ये टेरेस्ट्रियल में शिफ्ट होना चाहते तो ये क्या करेंगे, अपने वो जो एग ले कर रहे थे उस एग ले के बाहर एक हार्ड कवरिंग बना लेंगे कैल्शियम की, जिसकी वजह से जो उनका एग है वो लैंड पे भी सेफ रह पाए। तो धीरे धीरे इन्होंने ऐसे ही क्या किया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स में कन्वर्ट होने लगे, ये आपके टेरेस्ट्रियल होने लगे रेप्टाइल्स। फिर धीरे धीरे आपके एबीज आने लगे, बर्ड्स आने लगे। बर्ड्स कैसे आने लगे, इन्हीं रेप्टाइल्स में, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आर्चियोप्टेरिक्स। आर्चियोप्टेरिक्स क्या, इट इज द कनेक्शन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और, बिकॉज रेप्टाइल्स से ही एवीज बने हैं। रेप्टाइल्स ने क्या किया, धीरे धीरे फ्लाई करना स्टार्ट, फ्लाई वो नहीं कर पाते थे। फ्लाई वो क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी जो बोन्स थी वो हैवी होती थी। अब उन्होंने क्या करा, अपनी बोन्स को होलो करना स्टार्ट कर दिया, न्यूमेटिक बोन्स जिसको हम बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स बनाने लगी, उनका बॉडी वेट कम हुआ। अब बॉडी वेट कम होगा तो इसका मतलब वो इजिली फ्लाई कर पाएंगे, वो फ्लाई करने लग गई। लेकिन एक हमारा ऑस्ट्रिच है, आपने सुना होगा ऑस्ट्रिच के बारे में, ऑस्ट्रिच आपका फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस बर्ड क्यों है, क्योंकि इसके पास यूरिनरी ब्लैडर है। अब आपने सुना होगा जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं, एवीज होते हैं,
इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। क्यों नहीं होता यूरिनरी ब्लैडर? बिकॉज अपनी बॉडी को इनको लाइट रखना है, और यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर यूरिन इकट्ठा होगा तो बॉडी हैवी होगी, फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने अपना यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव करना स्टार्ट किया। इवोल्यूशन हुआ, यूरिनरी ब्लैडर का यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, डिसअपीयर हो गया। लेकिन ऑस्ट्रिच के अंदर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, इसीलिए ये फ्लाइटलेस बर्ड होती है। यूरिनरी ब्लैडर इसके अंदर देखा गया। अब इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर ये फ्लाइट नहीं कर सकती, एविज आपकी फ्लाइट कर गई। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आर्चियोप्टेरिस, पहले वो रेप्टाइल था, फिर धीरे धीरे क्या करना क्या उसके जो फोर लिम्स होते थे ना, हिंड लिम्स, जो आपकी हिंड लिम्स है, हिंड लिम्स को उन्होंने फीदर्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। फोर लिम्स एज इट इज है, आपने हिंड लिम्स को उन्होंने फीदर्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो फ्लाई करने लगे। तो ये सब इवोल्यूशन है, सब इवोल्यूशन चलता जा रहा है अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कराने के लिए। अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए जो भी पॉसिबल चेंजेस है वो करने पड़ेंगे, तो वही चेंजेस होते रहे आपके। जैसे कि आज के टाइम में हम हैं, हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम मैनुअली करते हैं, हम खुद से करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि हमारे पास हर एक चीज करने के लिए पूरी टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट होंगी, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो सपोज हम अपने हाथों का यूज करना बंद कर देंगे, हमारे सारे के सारे काम रोबोट्स करने लग जाएंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा हमारे हाथ नहीं रहेंगे। हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर आप अपने ब्रेन को यूज नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा, आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है वो बिल्कुल लो हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो ना कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहना, अपने ब्रेन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यूज करें, जितना ज्यादा आप किसी चीज को यूज करोगे उतने ज्यादा डेवलप होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा जो विलेज टाइप के, जो विलेज के बच्चे होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे सिटी के स्टूडेंट्स। क्यों होता है? क्योंकि वो वहां पे अपनी सारी एक्टिविटीज खुद करते हैं, वो स्पोर्ट्स भी करता है, वो घूमते फिरता है इधर उधर, मतलब अपना बॉडी का प्रॉपर यूज करता है। लेकिन आज के टाइम पे सिटी के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मोबाइल में लगे पड़े हैं या फिर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो वही उनकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग है। उनको विलेज वाले स्टूडेंट्स को हैबिट है बैक्टीरियाज इन सब इन्फेक्शन में रहने की, तो इसलिए उनका इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो चुका है। लेकिन सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनका इम्यून सिस्टम बहुत लो है। कोई एक सडनली अचानक से कोई एक इंसान आ जाए जिसको कोल्ड हो रहा था, उनको एकदम से कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। तो आप जो सराउंडिंग है आपका, उस सराउंडिंग के हिसाब से आपकी बॉडी चेंज होती चली जाती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने ब्रेन को डेवलप करना, तो आपको पता है ब्रेन के अंदर इवोल्यूशन कराओ, अपने आप को डेवलप करोगे। आज डेवलप करोगे इसका मतलब नीट क्लियर करोगे, डॉक्टर बनोगे, एंड डॉक्टर बनोगे तो आपकी शादी किसी डॉक्टर के साथ होगी, आपके बेबीज जो होंगे वो भी डॉक्टर बने, आप अपने किड्स को भी डॉक्टर बनाओगे, तो पूरी की पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी, इवोल्यूशन आ जाएगा ना आपकी पूरी की पूरी फैमिली के अंदर। होगा या नहीं होगा इवोल्यूशन? लेकिन आपने नीट क्लियर नहीं किया, 4-5 साल ऐसे ड्रॉप करते चले गए, ऐसी आपकी शादी हो गई किसी नॉर्मल सी लड़की के साथ, किसी नॉर्मल से लड़के के साथ, फिर आपके जो बच्चे होंगे क्या वो डॉक्टर बन पाएंगे? बिकॉज आप लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी, इतनी आप लोगों की इनकम नहीं होगी कि आप उनको अच्छा पढ़ा पाए, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल पाए। तो वो आप देखो, आप डॉक्टर बन गए तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा? आप डॉक्टर नहीं बने या किसी नॉर्मल सी पोस्ट पर चले गए तो आपका फैमिली बैकग्राउंड होता ही नहीं होता। तो ये सब इवोल्यूशन ही तो है। तो इवोल्यूशन को समझो हर एक अच्छी वे में। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फिनिश हुआ। अब हम देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। चलो, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्फीयर? क्या हमारी जो अर्थ, हमने देख लिया था अर्थ के ऊपर लाइफ क्या आउटर स्फीयर से आई है? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, ये किसी बाहर प्लैनेट से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स, पहले के लोग ये बोलते हैं थ्रू यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्ट्स, कि हर एक लाइफ एक छोटे छोटे स्पोर्ट्स से डेवलप हुई है, जिसको हमने सारे के सारे प्लैनेट्स पर, अलग अलग प्लैनेट्स पर स्प्रेड कर दिया, उसी से लाइफ डेवलप हो गई। पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया, कुछ एस्ट्रोनॉट्स के लिए यही पैनस्पर्मिया थ्योरी वाला आइडिया की स्पोर्ट्स वाली। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटिंग मैटर, की जो लाइफ है वो डिकेइंग मैटर या फिर रूटिंग मैटर, जैसे कि स्ट्रॉ, मड, इसको कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी भी बोलते हैं आपका, कैटास्ट्रोफिज्म, इसका भी सिर्फ आपको नाम याद रखना है। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, हम इस थ्योरी को बोलते हैं। लुइस पास्चर बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, से आई है ये भी, मैंने आपको लुइस पास्चर का पूरा एक्सपेरिमेंट बताया। He showed that pre-sterilized flask, sterilized का मतलब होता है जब मैंने वो फ्लास्क लिया था उसको हीट किया था, हीट करने से क्या जितने भी बैक्टीरियाज वो ईस्ट थे वो सब किल हो गए थे, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, कि जो लाइफ है वो किल्ड ईस्ट से नहीं आई है,
क्योंकि दूसरे वाले फ्लास्क में भी हमने क्या किया था, सेम ईस्ट रखा था। व्हेन इन अनदर फ्लास्क जो कि ओपन टू एयर था, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम किल्ड ईस्ट, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। However, this did not explain how the first life came from Earth. पहली life Earth पे कैसे आई, नहीं पता चला इस चीज से हमें। फिर आते हैं हमारे next scientist, Oparin and Haldane. Oparin रशिया से थे, Haldane इंग्लैंड के थे। इन्होंने प्रपोज किया कि जो पहली life है वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस जिसको हम बोल रहे थे, प्री एग्जिस्टिंग आर एन ए एंड प्रोटीन इनसे आई है। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू है। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, कंडीशंस ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था, और आपका वहाँ पे क्या था, CH4NH3 ये सब था। इन 1973 मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है, चलो हम इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे मिलर, इन साइंटिस्ट ने हमारा बताया कि आखिरकार ये प्रोसेस जो केमिकल इवोल्यूशन में हमें अभी पढ़ के आए हैं कैसे हुआ होगा। सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पे आपका बॉइलिंग वाटर है जो कंटिन्यूअसली बॉयल हो जा रहा है। अब जैसे ये बॉइलिंग वाटर होगा, यहाँ से आपकी वाटर वेपर्स आएंगे, वाटर वेपर यहाँ पे कंडेंस होकर लिक्विड बना लेंगे। फिर जैसे लिक्विड, और यहाँ पे एक कंडेंसेसर लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारी सारी गैसें जो आपके प्राइमरी एटमोसफेयर में गैसेस थे उन सारी गैसेस को हमने फिल कर दिया। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिया। अब इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लगा, इलेक्ट्रोड से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिल रहा है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसे इन गैसेस को मिलेगा तो इन गैसेस के अंदर जो वाटर है ना ये स्प्लिट हो जाएगा। अब वाटर स्प्लिट होगा, आपका वाटर स्प्लिट होकर यहाँ पे धीरे धीरे कंडेंस होने लग जाएगा, कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में यहाँ पे आएगा, एंड देन फिर इसके बाद हम यहाँ से इसको बॉइल कराएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट में आपको ध्यान क्या रखना है वो देखो। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इन्होंने एक चीज देखी कि जो हमारा ये यहाँ पे लिक्विड ट्रैप हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से निकलने के बाद इधर बॉइलिंग वाटर वाला प्रोसेस चल रहा है और इलेक्ट्रोड दे रहा है, इसकी वजह से इस वाटर के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स डेवलप हुए। कौन से अमाइनो एसिड्स थे, तीन अमाइनो एसिड्स थे। उन तीनों अमाइनो एसिड्स का नाम याद रखना है, ग्लाइसिन, एलेनिन और आपका एस्पार्टिक एसिड। ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया था, जो मैंने आपको बताया था ना, आपका प्राइमरी एटमोसफेयर में ऐसे ऐसे था, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ हमारे प्रोटोबायोन्ट्स बने, तो प्रोटोबायोन्ट्स आखिरकार बाद में न्यूक्लियो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हुए। तो वो कैसे बना ये वाला, क्योंकि इन्होंने देखा कि यहाँ पे वही सारी गैसेज ले रही जो प्राइमरी एटमोसफेयर में थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड कराया, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, वाटर वेपर को कंडेंस कराया, वाटर वेपर को कंडेंस कराया, वो हमारा ओशियन लेक फिल हो गए थे। तो ओशन लेक के अंदर हमारे ये इन वाली गैसेस का कॉम्बिनेशन था, इससे बनने वाले कंपाउंड्स थे। हमने तो डायरेक्टली बोल दिया कि इनसे जो हमारा वो हॉट डाइल्यूट्स होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, सिर्फ बोला था। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इन्हीं के वजह से आपस में रिएक्शन हुई, नए नए मॉलिक्यूल्स बने और वो मॉलिक्यूल्स इस वाटर के अंदर इकट्ठे हो गए जो हमारे नेचुरली वाटर बॉडीज के अंदर आए थे। और इन्होंने फिर चेक किया कि इसके अंदर तीन अमाइनो एसिड्स इनको देखने को मिले, और आपको पता है अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन से ही न्यूक्लियो प्रोटीन बनेंगे, उनके अंदर म्यूटेशन होगा न्यूक्लियो प्रोटीन में, फिर प्रोकैरियोट बनेंगे, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनेंगे, ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुई, फिर पूरा इवोल्यूशन एनिमल किंगडम हमारा आ जाएगा। तो ये, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था, हमारे नॉर्मल अर्थ पे क्या चल रहा था, ये वाला प्रोसेस यूवी रेज की हेल्प से चल रहा था, वाटर स्प्लिट हो रहा था यूवी रेज की वजह से। इन्होंने यहाँ पे कोई यूवी रेज का नहीं यूज किया, नो यूवी रेज, सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन्होंने यूज किया था, यूवी रेज यूज नहीं किया था। और कितना इन्होंने इलेक्ट्रोड से, कितना इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दिया था वो भी लिख लो आप यहाँ पे। इन्होंने दिया था आपका 75,000 वोल्ट का इन्होंने डिस्चार्ज दिया, और यहाँ से इन्होंने टेम्परेचर कितना दिया था, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स यूज की थी आपकी टंगस्टन की बनी थी। ये तीन पॉइंट याद रखो, कौन कौन से आपके अमाइनो एसिड्स बने वो याद रखो, ड्रॉबैक याद रखो, कोई यूवी रेज का यूज नहीं किया, एंड आपका पूरा एक्सपेरिमेंट फिनिश। बताओ समझ में आया, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? अब चलो फिर से एनसीईआरटी पे चलते हैं। देखो सिमिलर कंडीशन इन लैबोरेटरी स्केल में इन्होंने क्या क्या किया, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर
जिसके अंदर उन्होंने तीन गैसेस लिया। बेटा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, वो लिखो, तीन कौन कौन सी गैसेस ली थी, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे, क्या क्या इन्होंने कंपाउंड्स लिए, ऐसे CH4, H2 और NH3, और कितने रेशियो में लिया था, 1:2:1 में लिया था। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रहेगा 1:2:1, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। कितना टेम्परेचर लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया था। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स, अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट। एनालिसिस ऑफ मैट्राइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड, इंडिकेटेड दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर, स्पेस में कहीं ना कहीं यही प्रोसेस चल रहा होगा। With the limited evidence, the first part of conjectured story, the chemical evolution was more or less expected. जो chemical evolution वाला process, वो expect किया भी गया, accept किया भी गया और नहीं भी। Then we have no idea, हमारे पास कोई idea नहीं है, how the first self-replicating metabolic capsule of life arose, कैसे एक खुद से replicate करने वाला, self-reproducing body कैसे बनी। The first non-cellular form of life, सबसे पहले जो non-cellular form थी, वो 3 billion year पहले दिख गई थी, जिसके अंदर हमें जेंट मॉलिक्यूल्स दिखे थे, आरएनए एंड प्रोटीन, फिर उन्हीं से हमारा धीरे धीरे लिविंग और मतलब कौन से सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ देखी। नॉन सेलुलर में आपका आएगा आरएनए प्रोटीन, सेलुलर में आएंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स। दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स, इन्होंने फिर नए मॉलिक्यूल्स बनाए। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आपका दिखी अराउंड 2000 मिलियन ईयर एगो। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स थे, और लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर इन्वायरमेंट, कौन से वाटर इन्वायरमेंट में थे, जो वो हॉट डाइल्यूट सूप उसके अंदर। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस का ये प्रोसेस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस, से धीरे धीरे आपकी लाइफ डेवलप हुई है। कहाँ से, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। उसको मेजोरिटी वाले लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि यस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सब नॉन लिविंग से डेवलप हुए हैं। कैसे डेवलप हुए, मिलर एक्सपेरिमेंट में भी आपको पता चल गया, सब गैसेस से डेवलप हुए हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जो हिंदू ग्रंथ होते हैं उसमें बोला है हमारी जो बॉडी होती है वो कुछ तत्व से बनी होती है, 5 तत्व या 7 तत्व, तो इतना मेरे को आइडिया नहीं है, बट ऐसी बनी होती है। इसीलिए वो चीज बोला जाता है, क्योंकि इसी थ्योरी के बेसिस पे हमारी बॉडी, आई थिंक 5 तत्व बोला जाता है कि 5 तत्व से मिलकर बनी है। ठीक है, हाउएवर वंस फॉर्म्ड, हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स बायोडायवर्सिटी ऑफ टुडे एंड द फैसिनेटिंग स्टोरी दैट विल बी डिस्कस्ड बिलो। अब हमें पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है कि आखिरकार पूरी डाइवर्सिटी हमारी डेवलप कैसे हुई है। बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर आप लोगों को, नहीं? अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर थ्योरी। आखिरकार लाइफ के अंदर कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोगों के पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेकिन आई ट्राई कि मैं आप लोगों को एविडेंसेस पढ़ाऊँ, या ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को ट्राई करूंगी पहले पढ़ाने का, बिकॉज जस्ट अभी अभी हम ना साइंटिस्टों की थ्योरी हमने मानी है कि आखिरकार कैसे कैसे ये लाइफ आई, लेकिन हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि पहले टाइम में डायनासोर्स होते थे, तो क्यों डायनासोर्स होते थे, बिकॉज हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं। तो हर लोगों ने ना अपनी अपनी एविडेंसेस दिए, जो फॉसिल्स की स्टडी करते थे उनको फॉसिल्स वाले दे दिए, जो ह्यूमन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी की स्टडी करते थे उन्होंने इस बेसिस पे बता दिया कि जो हमारे बॉडी के अंदर बोन थे हमारे एंसेस्टर्स में भी ऐसे स्केलेटन प्रेजेंट होता था। हमारा जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी की कि हर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियो जिसने स्टडी करी, फिर उसको पता लगे कि सबका एम्ब्रियो आपस में इंटरलिंक कर रहा है, तो उसका मतलब ये एंसेस्टर्स हैं, ये सब रेप्टाइल्स मैमल्स ये सब एंसेस्टर एक दूसरे को, तो ये वाली चीज़ भी तो कहीं से मिली होगी कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म थे स्पंजीज पाए गए, फिर धीरे धीरे वो सिलेंट्रेट बने, प्लेटी हेलमिंथीज बने, ये पूरा का पूरा एनिमल किंगडम ऐसे बना, तो उनकी एम्ब्रियो किसी ने स्टडी की होगी तब ये एनिमल किंगडम बना होगा। ऐसे ही नहीं एनिमल किंगडम के अंदर अलग अलग रख दिया गया, पूरी प्रॉपर स्टडीज करने के बाद ये सब क्लासिफिकेशन आपका किया है। तो आपको इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बट इस चैप्टर को क्यूरियोसिटी लेके आने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप आज का लेक्चर देखो आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको बहुत ट्राई किया था कि मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँ, आज का लेक्चर भी मैंने ट्राई किया कि आप बोर ना हो सुनने के लिए। तो ट्राई करना दोनों लेक्चर्स को सुनो एंड क्वेश्चन प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। इवन मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, बट इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आप भूल जाओ, तो ट्राई करना। मैंने आपको MTG की बुक प्रोवाइड कराई हुई है, या फिर आपको सिर्फ चैप्टर इसी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बता देना टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप
यहाँ पे वीडियो के यूट्यूब पे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम हमें बुक चाहिए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। सो तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चैनल को सबके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।